ओए पिस्तौल अलमारी में नहीं है। तो फिर कहाँ है? यही तो तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ पे है। तुझे शक तो नहीं हो गया किसी को? मुझे शक नहीं हुआ। बल्कि मुझे यकीन था कि आप दोनों मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं सबा, वो आप चुप ही कर जाएं। आपको तो भाई बोलते हुए भी अब मुझे शर्म आ रही है। शुक्र है आपकी बीवी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। वरना मैं भी इकरा की तरह आपकी खुदगर्जी और जहालत की भेंट चढ़ जाती। ज़बान संभाल के बात कर सबा। खबरदार। अगर आप दोनों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया मैं गोली चला दूंगी। सबा ये क्या मजाक है? ये चल जाती है सबा। नीचे कर इसे सबा, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। आराम से बैठकर बात करते। क्यों? डर लग रहा है ना? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पिस्तौल का रुख कभी आपकी तरफ भी हो सकता है। सोचा तो इकरा ने भी नहीं था। और ना मैंने कि मेरे अपने ही भाई मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। और एक दिन मुझे अपने हाथ उनके खून से रंगने होंगे। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं भाई हूं तेरा। तो क्या मैं आपकी बहन नहीं हूं? इकरा आपकी कुछ नहीं लगती थी? भाई तो बहनों के सर पर हाथ रखते हैं, उनकी इज्जत और जान के मुहाफिज होते हैं। लेकिन आप दोनों ने कभी भी तहफ्फुज़ नहीं दिया। मुझे अपना आप कभी भी महफूज नहीं लगा इस घर में। तहफ्फुज़ मिला तो इस घर से बाहर, इज्जत मिली तो इस घर से बाहर। आज किस मुंह से कह रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं? आप मेरे भाई नहीं हैं। आप इस माशरे का वो गंदा रुख हैं जिसे चाह कर भी कोई मां बीवी या बहन खत्म नहीं कर सकी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सबा
कर रहे हैं। अम्मा की कोई गलती नहीं, अम्मा को छोड़ दे। उठा ये अंगूठी और पहन इसे, वरना जिंदा काट दूंगा तुम दोनों को।